गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो भाई, बीच में 2-3 दिन वीडियो नहीं डाल पाया मैं, और उसका रीज़न यही है कि जो लैपटॉप है वो डाउन हो गया था, बीच में हैंग होने लग गया था। तो भाई, जो काम है वो हम अब कंटिन्यू करेंगे अपना। तो उम्मीद है आप सभी ने जो लास्ट जो वीडियोस हैं 9th क्लास में जो फिजिक्स की जो फर्स्ट चैप्टर की मैंने डाली हुई है वो आप सभी ने देखी होंगी, समझी होंगी। उसमें कुछ एक दो टॉपिक रहते हैं, वो मैं आपके जल्दी ही कवर करा दूंगा। उसमें तब तक आप 9th क्लास का ही केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है वो कीजिए। तो नोटबुक और पेन निकाल लीजिए और हेडिंग लगाइए जो फर्स्ट चैप्टर है आपका, लिखिए मैटर इन आवर सराउंडिंग। मैटर इन आवर सराउंडिंग। प्यारे बच्चों, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। अब अगर आपको ध्यान हो, देखो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक ही बताता हूँ मैं आपको। वैसे पूरा चैप्टर ही बेसिक है आपका। याद हो अगर आपने फर्स्ट वीडियो देखी है तो उसमें हमने आपको बताया था कि जो केमिस्ट्री है ये साइंस की वो ब्रांच है जिसमें आप क्या स्टडी करते हो, मैटर की स्टडी करते हो। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको वहां पर पता चल गया होगा कि केमिस्ट्री के अंदर हम क्या स्टडी करते हैं, मैटर की स्टडी करते हैं। और जो 9th क्लास में जो फर्स्ट और सेकंड चैप्टर है ये दोनों मैटर के ऊपर ही है। फर्स्ट चैप्टर में तो यही बताया गया आपको कि आपके आसपास कौन सी चीजें मैटर हो सकती हैं, किसको हम मैटर बोलते हैं, किस किस फॉर्म में वो एग्जिस्ट करता है। और सेकंड जो चैप्टर है बच्चों आपका, उसमें आपको बताया गया है कि जो मैटर है वो किस किस चीज से मिलके बनता है, उसकी केमिकल क्लासिफिकेशन को वहां पर डिस्कस किया गया है। और फर्स्ट चैप्टर में उसकी फिजिकल क्लासिफिकेशन को डिस्कस किया गया है कि जो मैटर है वो कैसे एग्जिस्ट करता है, कैसा आपको दिखता है, वो किस चीज को आप मैटर बोलते हो, क्या उसके पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज होती हैं। तो फर्स्ट और सेकंड चैप्टर बच्चों ओवरऑल आपके बेसिक है, और आपको एक भी इसका लेक्चर कोई मिस नहीं करना है और बड़े ध्यान से इनको पढ़ना है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहला इसमें चैप्टर का नाम से ही स्टार्टिंग करेंगे, मैटर इन आवर सराउंडिंग। हमारे आसपास के जो मैटर है वही हमें पढ़ने हैं। तो भाई, मैटर पहले हमें पता होना चाहिए हम मैटर किस चीज को बोल रहे हैं, क्या होता है मैटर। तो आप हेडिंग लगाइए इसमें मैटर। तो बच्चों, मैटर हम किस चीज को बोलते हैं, लिखिए एनीथिंग, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस, विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास, एंड हैज मास एंड कैन बी फील बाय, कैन बी फील बाय वन ऑफ आवर सेंस। तो मैटर की डेफिनेशन में हमने ये लिखा है कि मैटर वो चीज होती है जो स्पेस को ऑक्यूपाई करती है, मतलब जो जगह को घेर लेती है, जिसमें कोई ना कोई मास होता है, मतलब कुछ ग्राम किलोग्राम में उसमें कोई ना कोई मास भी होगा। और लास्ट में लिखा है कैन बी फील बाय वन ऑफ अवर सेंस, और जिसको हम अपने किसी भी एक सेंस ऑर्गन से उसको फील कर ले वही क्या होता है, हमारा मैटर होता है। ये ध्यान में रखना, जो यहाँ पर मास लिखा है एक इसी का अपोजिट आता है इसमें वेट। केमिस्ट्री में तो दोनों को हम सेम कंसिडर कर लेते हैं, लेकिन फिजिक्स में दोनों अलग होते हैं। आपको पता होना चाहिए जो वेट है आपका वो एक टाइप का फोर्स होता है, इसको न्यूटन में मेजर करते हैं हम। लेकिन जो मास है वो किसी बॉडी के अंदर कितना मैटर भरा गया है उसको बोला जाता है। तो बच्चों, मास को तो किलोग्राम में एक्सप्रेस किया जाता है या फिर ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं, लेकिन फोर्स को या फिर वेट को हम न्यूटन में एक्सप्रेस करेंगे। तो यहाँ पर मास की बात हो रही है, ये ध्यान में रखना। जिस किसी भी पार्टिकल या ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में मतलब वो स्पेस को अगर ऑक्यूपाई कर रहा है तो समझ लेना उसमें कोई ना कोई मास तो है। मास कभी जीरो नहीं हो सकता किसी पार्टिकल का, मास तो उसमें जरूर होगा, और उसको हम फील भी कर सकते हैं, तभी हम उसको क्या बोल रहे हैं कि वो एक मैटर है। तो बच्चों, आपके आसपास कितनी चीजें हैं ऐसी, लगभग हर एक चीज ही मैटर है, यहां तक कि हम खुद भी क्या है उसमें मैटर है। क्योंकि आप जहां भी बैठते हो, खड़े होते हो, आप स्पेस को ऑक्यूपाई करते हो, आपके अंदर कुछ ना कुछ मास भी है, 50, 60 किलो, 70 किलो, जो भी है आपके अंदर मास भी है। आप खुद को फील भी कर सकते हो, टच कर सकते हो अपने ऑर्गन्स को। तो बच्चों, इसमें हम क्या कह सकते हैं कि हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं, जो सॉलिड है, लिक्विड है, जो गैसेस हैं,
वो सबकी सब क्या है, आपकी मैटर ही है। ठीक है, तो बच्चों हर एक चीज जो स्पेस को ऑक्यूपाई करती है, जिसमें मास होता है और जिसको हम फील कर लेते हैं, वही क्या है, मैटर है। जैसे इसमें हम एग्जाम्पल लिख दें, जैसे मान लिया कोई पत्थर है, रॉक, स्टोन, कुछ भी लिख दो आप इसमें, ये सॉलिड का एग्जाम्पल हो जाएगा। अब किसी पत्थर को आप आराम से टच करके देख सकते हो, फील कर सकते हो उसको, और वो स्पेस को भी ऑक्यूपाई करता है और उसमें मास भी होता है, भारी होता है ना पत्थर आपका। दूसरा हम लिक्विड का एग्जाम्पल ले लेते हैं, वाटर। वाटर भी क्या करता है, स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, उसको भी आप फील कर सकते हो। ठीक, वो स्पेस को भी ऑक्यूपाई करेगा, मास भी होगा उसके अंदर, तो ये लिक्विड का एग्जाम्पल हो जाएगा। तीसरा बच्चों, आपके एटमोसफेयर में बहुत सारी गैसेस भी हैं, वो भी स्पेस को ऑक्यूपाई कर रही हैं। ठीक, उनको आप फील भी कर सकते हो। ठीक है, तो बच्चों जो गैसेस होती हैं वो भी क्या है, आपकी मैटर होती हैं। चलो इनसे अलग कुछ और हैं जिन चीजों को हम मैटर की कैटेगरी में नहीं डालते हैं, लेकिन फिर भी आपकी बुक के क्वेश्चंस में उनको पूछा गया है कि क्या इन चीजों को हम मैटर बोलेंगे। देखो इसमें सबसे पहले आता है लव, हेट, थिंकिंग या फिर थॉट लिख दिया जाता है यहाँ पर। तो बच्चों ये जो चीजें हैं ये मैटर नहीं होती हैं, क्योंकि ये कोई स्पेस को ऑक्यूपाई नहीं करती, इनका कोई मास नहीं होता है। ठीक है, आप फील कर सकते हो, लेकिन हाँ, और फील भी कैसे, इनको आप खुद से ही अंदर फील कर सकते हो, कोई टच करके फील नहीं कर सकते आप इनको। ठीक है, तो ये चीजें कुछ ऐसी हैं जो ना तो स्पेस को ऑक्यूपाई कर रही हैं, ना इनके अंदर कोई मास है, मतलब ये चीजें आपकी मैटर नहीं है। तो बच्चों ध्यान में रखना, ये चीजें मैटर नहीं होती हैं, ये आपके पर्सनल मैटर होते हैं। तो ये चीजें जो हैं आपकी, सॉलिड, लिक्विड और गैस, हमें पता चल गया कि ये तीन चीजें तो यहाँ पर मैटर हैं। ठीक है, अब बच्चों जो फर्स्ट और सेकंड चैप्टर है उसमें अगर मैं आपको ओवरऑल बता ही दूं एक बार क्या कुछ है, देखो जो मैटर होता है आपका, उसको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो बच्चों फिजिकली अगर उसको क्लासिफाई किया जाए, फिजिकल का मतलब समझते हो, फिजिकल क्लासिफिकेशन बच्चों वो होता है जहां पर हम मैटर को देख के बताएं कि वो कैसा है, कैसा दिखता है हमें। फिजिकल का मतलब तो यही होता है कि बाहर से उसको देख के बता दे। ठीक है, और एक होता है बच्चों केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन में बच्चों आप क्या पढ़ते हो, क्या होता है ये, मान लिया आपसे अगर ये पूछा जाए, एक एग्जांपल से समझाता हूं मैं आपको, आपसे ये पूछा जाए कि पानी जो है, आपको पता ना पानी का फॉर्मूला H2O होता है, आपसे पूछा जाए कि पानी के अंदर कौन कौन सी गैसेस प्रेजेंट है, तो आप क्या करोगे, क्या आप देख के बता सकते हो पानी को कि इसके अंदर कौन कौन सी गैसेस होंगी। तो बच्चों आपको उसके ऊपर कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, तभी आप बता पाओगे कि पानी के अंदर एक तो हाइड्रोजन गैस है और एक ऑक्सीजन गैस है। तो बच्चों जहां पर हम ये पता करें कि कोई मैटर किस चीज से बना है, वही क्या है, उसकी केमिकल क्लासिफिकेशन है। लेकिन अगर हम पानी को देख के बताएं कि भाई वो कैसा दिखता है, हम बता सकते हैं ना कि पानी लिक्विड है तो लिक्विड बता देंगे, सॉलिड आइस की फॉर्म में है तो सॉलिड है, और अगर वेपर बन रहे हैं तो वो गैसेस फॉर्म में है। तो बच्चों वो फिजिकल हो जाता है फिर उसको देख के बताना। ठीक है, और जहां पर हम उसके केमिकल्स को स्टडी करें कि वो किस चीज से बना है, वो है आपका केमिकल क्लासिफिकेशन। तो बच्चों जो फर्स्ट चैप्टर है आपका, उसमें आप ये फिजिकल क्लासिफिकेशन ही डिस्कस करोगे, सॉलिड, लिक्विड, गैस के बारे में ही डिस्कस करने वाले हो, और कुछ अदर कुछ एक दो टॉपिक है इसमें, बेसिक सा ही है ये। और जो केमिकल क्लासिफिकेशन है बच्चों, वो आप केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर में डिस्कस करोगे। ठीक है, तो ध्यान में रखना, ये फिजिकल क्लासिफिकेशन फर्स्ट चैप्टर में है आपका, और केमिकल क्लासिफिकेशन सेकंड चैप्टर में है आपका। तो बच्चों अगर फिजिकल क्लासिफिकेशन की बात की जाए, तो मैटर को हम अपने मेजर तीन कैटेगरी में डालते हैं या डिवाइड कर लेते हैं। एक तो होता है सॉलिड, एक लिक्विड और एक होता है आपका गैस। बच्चों कई बुक्स में आपको पांच स्टेट लिख के दी जाती है इनकी, एक प्लाज्मा भी लिखा जाता है साथ में, और एक आता है बच्चों लास्ट में बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। इनकी कोई ज्यादा डिटेल नहीं होती है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता ही दूंगा कि ये दोनों स्टेट मैटर की जो है कहाँ कैसे होती हैं, एग्जिस्ट करती हैं ये। लेकिन मेजर जो आपकी तीन स्टेट है ना, वो ये है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो आपको ये तीन तो जरूर याद करनी है चैप्टर में, और पूरा चैप्टर ही ये मान लो इन्हीं के ऊपर है। ठीक है, आपका एक क्वेश्चन भी बनेगा इसमें, राइट द डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, जो हम इसमें कवर करेंगे। और केमिकल क्लासिफिकेशन की अगर बात की जाए इसमें,
तो जो केमिकल क्लासिफिकेशन होता है उसमें भी हम मैटर को दो कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं। एक आता है आपका प्योर सब्सटेंसेस, एक आता है प्योर सब्सटेंसेस, और एक लास्ट इसमें आता है बच्चों आपका मिक्सचर। ये मैं आपको एक बेसिक आउटलाइन दे रहा हूं, अगर आपको ये आउटलाइन समझ में आ गई ना तो चैप्टर की कोई भी डेफिनेशन ऐसी नहीं बचेगी जो आपको समझ में ना आए, आप उसको एक प्रॉपर सिक्वेंस में याद कर पाओगे। तो ना आप एक बार ये जो मैटर की इसमें आउटलाइन मैं बना रहा हूं इसको जरूर याद कर लेना एक बार, कि फिजिकल में क्या क्या आता है और केमिकल में क्या आता है और कहाँ आता है। तो बच्चों सबसे पहले प्योर सब्सटेंस आते हैं और एक आता है मिक्सचर आपका। प्योर सब्सटेंस में बच्चों आपके आते हैं एलिमेंट, प्योर में आते हैं आपके एलिमेंट, और एक आते हैं बच्चों आपके कंपाउंड, ठीक है। और मिक्सचर में बच्चों आपके आते हैं एक तो होमोजेनियस मिक्सचर, होमोजेनियस मिक्सचर इसका क्या आप लिख लेना वन, और एक आता है बच्चों आपका हेटरोजेनियस मिक्सचर, हेटरोजेनियस मिक्सचर। तो बच्चों ये दो टाइप के आपके मिक्सचर होते हैं। ये जो होमोजेनियस मिक्सचर होता है इसी को हम क्या बोल देते हैं, सॉल्यूशन, इसी को सॉल्यूशन बोल देते हैं। कई सॉल्यूशन को होमोजेनियस का पार्ट बना के पढ़ लेते हैं। और हेटरोजेनियस में बच्चों आपके दो पार्ट फिर से आते हैं, एक आता है आपका कोलोइड, ये भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा आपका चैप्टर का, लेकिन सेकंड चैप्टर का, ठीक है। और एक आता सस्पेंशन। तो ये तो बच्चों आपके हेटरो होमोजेनियस मिक्सचर हो गए, मिक्सचर का टॉपिक बस यही रहेगा आपका। लेकिन प्योर सब्सटेंस में जो एलिमेंट और कंपाउंड हमने लिखे हैं, एलिमेंट में भी बच्चों आपकी तीन कैटेगरी बन जाती हैं, मेटल, नॉन मेटल, और एक आता है बच्चों इसमें आपका मेटलॉइड्स, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स। और कंपाउंड में बच्चों या तो आप इनको ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड में डिवाइड कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि कंपाउंड में आप क्या क्या पढ़ते हो, एसिड, बेस और एक लास्ट में आता है आपका सॉल्ट। तो बच्चों ये आपकी आउटलाइन रहेगी दोनों चैप्टर की, तो इसको एक बार जरूर याद कर लेना अच्छे से, ठीक है। तो चलो इसके बाद हम एक बेसिक सा ही कुछ मैटर के बारे में डिस्कस करते हैं। आप जरा एक बार ये बताइए कि जो मैटर है अगर उसकी हम बात करें तो वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना है। अब मान लिया हमारे आसपास बहुत सारी चीजें हैं, अगर हम उनको ध्यान से देखें या ऑब्जर्व करें तो हम यही सोचेंगे ना कि भाई ये जो मैटर है ये बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना होगा, वो छोटे छोटे पार्टिकल आपस में जुड़ के तभी तो कोई बड़ी चीज बनाई होगी उन्होंने, ठीक है। तो एक लाइन आप क्या यहां पर लिखोगे मैटर के बारे में, वो ये होगी कि मैटर इज मेड अप ऑफ, मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। जो मैटर है वो बहुत ही छोटे पार्टिकल से मिलके बना हुआ होता है, ये ध्यान में रखना बच्चों। ये जो स्मॉल पार्टिकल यहां पर लिखा है, थर्ड चैप्टर तक पहुंचते पहुंचते आप इसी स्मॉल पार्टिकल को एटम बोलने लग जाओगे, ठीक है, ये ध्यान में रखना। तो बच्चों जो ये मैटर है हमारा वो बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनता है। तो चलो एक हेडिंग हम इन्हीं की डालते हैं कि जो ये पार्टिकल होते हैं आपके मैटर के अंदर ये क्या क्या कैरेक्टर आपको शो करते हैं। आप एक हेडिंग लगाइए इसमें, कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स, ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। बच्चों जो मैटर के अंदर पार्टिकल हैं वो कौन कौन से कैरेक्टर को शो करते हैं, तो चलो फर्स्ट इसमें आप लिखो पार्टिकल्स ऑफ मैटर, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। बच्चों इनको वन बाय वन हम एक्सप्लेन भी करेंगे साथ में। इसमें हमने कहा है कि जो पार्टिकल होते हैं मैटर के उनके बीच में स्पेस होता है, कैसे होता है देखो बच्चों, ये सारा खेल ही स्पेस का है। यहाँ पर आप चीजों को जो सॉलिड लिक्विड गैस बोल रही हो ना, वो सारा खेल ही इन्हीं पार्टिकल्स का होता है, इनके स्पेस का होता है। अब आप अगर बात करो किसी सॉलिड की, आपको पता है सॉलिड क्या होते हैं, हार्ड होते हैं नेचर में, बहुत रिजिड होते हैं, रिजिड मतलब इनफ्लेक्सिबल होते हैं वो, आप उनको मोड़ तोड़ नहीं सकते कहीं से आसानी से। सॉलिड क्या होते हैं बच्चों, सॉलिड वो मैटर है आपका, वो फॉर्म है मैटर की जिसमें जो पार्टिकल्स हैं आपके जिनसे वो मिलके बना हुआ है वो एक दूसरे के बिल्कुल क्लोज में है,
बिल्कुल टाइटली पैक हो रखे हैं, उनके बीच में जो स्पेस है ना वो माइनर सा स्पेस है बिल्कुल। तो बच्चों इसी ज्यादा अट्रैक्शन की वजह से जो पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्शन है ना, जो वो एक दूसरे को पकड़ के खींचे हुए हैं, उसी अट्रैक्शन की वजह से ये चीज आपकी हार्ड हो जाती है, सॉलिड हो जाती है, ठीक है। लेकिन बच्चों जो लिक्विड होता है आपका, वो तो आराम से फ्लो कर जाता है कहीं भी, इसका मतलब उसके पार्टिकल जो है ना जिनसे वो बना हुआ है वो थोड़े से दूर दूर है, इसलिए वो आराम से फ्लो कर पा रहे हैं। तो बच्चों स्पेस तो इनमें है, सॉलिड में भी है लिक्विड में भी है। और अगर बात करें गैसेस की, तो आप एयर का एग्जाम्पल लीजिए। गैसेस में एयर तो आपकी आराम से फ्लो करती है, कहीं भी जा सकती है, गैसेस कहीं भी फ्लो कर सकती हैं आपकी। और वो फ्लो इसीलिए करती हैं बच्चों क्योंकि गैस के पार्टिकल बहुत ही दूर होते हैं, उनके बीच में जो अट्रैक्शन होता है ना वो नेग्लिजिबल होता है, ना के बराबर बिल्कुल। तो बच्चों जो गैसेस पार्टिकल हैं उनके बीच में तो स्पेस और भी ज्यादा होता है, और यही स्पेस उनका क्या रिस्पॉन्सिबल होता है, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कि वो गैसेस आराम से फ्लो कर पाती हैं उसकी वजह से, ठीक है। खैर ये कंसेप्ट आपका थोड़ा सा डिटेल में आएगा गैसेस का, कि कैसे उनको लिक्विड बनाया जाता है, या फिर उनको हम जिस कंटेनर में डालते हैं वो उस कंटेनर को पूरा भर देती है, या फिर जो गैसेस होती हैं वो अपने कंटेनर की वॉल्स पर प्रेशर को एग्जर्ट करती हैं क्यों, ये सब डिस्कस हो जाएगा इसमें। आप इसका जो सेकंड पॉइंट है वो लिखिए, लिखिए पार्टिकल्स ऑफ मैटर, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। तो बच्चों यहां पर हमने लिखा है कि जो मैटर के जो पार्टिकल हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ये बात तो हमने यहां पर भी डिस्कस कर ली फर्स्ट पॉइंट में। ये पार्टिकल एक दूसरे के क्लोज क्यों थे सॉलिड के केस में, क्योंकि खींच रहे थे एक दूसरे को अच्छे से। लिक्विड के केस में दूर दूर क्यों है थोड़ा सा, क्योंकि उनके बीच में अट्रैक्शन कम है। और गैसेस के केस में तो ये अट्रैक्शन बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि वो पार्टिकल क्या कर रहे हैं, फ्रीली मूव कर रहे हैं, बहुत दूर है वो। तो बच्चों फर्स्ट और सेकंड पॉइंट दोनों आपस में रिलेट कर रहे हैं, आपस में इनको देख लेना आप, ठीक है। और थर्ड आप इसमें क्या लिखोगे, पार्टिकल्स ऑफ मैटर, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। कॉन्स्टेंटली का मतलब होता है बच्चों जो कभी चेंज ना हो, मतलब एक ही स्पीड के साथ जो चीज फिक्स हो जाती है ना उसको कॉन्स्टेंट बोला जाता है। इसमें कहा गया है कि जो मैटर के जो पार्टिकल है बच्चों वो मूव करते रहते हैं। चलो इसका मैं एग्जांपल देता हूं आपको, जो सॉलिड होते हैं आपके आपके नजदीक में, जो कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट हो आप उसको ऑब्जर्व करना, उसमें आपको पार्टिकल्स की मूवमेंट दिखेगी नहीं। क्या जो आपके नजदीक में जो सॉलिड चीजें रखी हुई है, जिस चीज से वो बनी है, जिस पार्टिकल से वो बनी है, क्या वो मूव करती दिख रहे हैं आपको, नहीं दिखेंगी। तो बच्चों सॉलिड के केस में जो पार्टिकल होते हैं ना वो मूव करते आपको दिखेंगे ही नहीं, बहुत कम स्पीड के साथ मूव करते हैं वो, ठीक है। और वो भी हम आपको थर्ड चैप्टर में ही जाके बता पाएंगे कि आप जब पढ़ोगे ना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन मूव करते हैं एटम के अंदर, ठीक है, तब आपको प्रॉपर पता चलेगा कि पार्टिकल्स जो है वो मूव करते हैं। चलो इसमें एक लिक्विड का एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ। गैसेज का तो आपको पता ही है, गैसेज के पार्टिकल मूव करते रहते हैं क्योंकि गैसेज आपके आराम से फ्लो करती है एटमोसफेयर में, कहीं भी जा सकती है। लेकिन लिक्विड में बच्चों क्या होता है, जैसे मान लिया आपके पास एक कंटेनर में पानी है, एक कंटेनर में आपने पानी को ले लिया है और आपने एक पेपर का टुकड़ा लेके पेपर को फाड़ के और उसमें डाल दिया। अब बच्चों आपने कभी ऑब्जर्व किया हो, जो ये पेपर है, कई बच्चे ना नाव बना लेते हैं इसकी, पेपर की बोट बना के डालते हैं पानी में, फिर वो बोट अपने आप से कहीं कभी इधर मूव करेगी, कभी इधर मूव करेगी, मतलब कहीं ना कहीं रैंडमली अपने उससे ही वो मूव करती रहेगी पानी के अंदर। तो बच्चों ये जो बोट या जो पेपर आपने पानी में डाला, ये मूव कर कैसे रहा ये बताओ, क्योंकि इससे अंदाजा ये लगाया गया कि नीचे जो पानी के पार्टिकल है वो मूव कर रहे होंगे, उसकी वजह से ये बोट भी मूव कर रही है। तो इसका मतलब तो बच्चों ये हो गया कि पानी के पार्टिकल मोशन में थे, मतलब मूव कर रहे थे। तो यहां से यही लिखा गया बच्चों कि जो मैटर या पार्टिकल होते हैं वो कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं। तो बच्चों ये तो मैटर का एक बेसिक सा कंसेप्ट था, हालांकि कुछ बातें हैं और भी मैटर के बारे में जो हम इन दो एक्सपेरिमेंट से पता करेंगे कौन कौन सी हैं। एक तो जैसे आपका डिफ्यूजन आता है, ठीक है, एक तो आपको इसमें डिफ्यूजन पढ़ना है मेन तो, और दूसरा बच्चों आपका आता है ब्राउनियन मूवमेंट। ये दो एक्सपेरिमेंट किए गए थे मैटर की स्टडी के लिए, ठीक है।
और बताएंगे कि इनका क्या काम होता है, क्या ये होती हैं, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट हेडिंग आप इसमें डालिए। सबसे पहले तो चलो डिफ्यूजन ही लिख लो इसमें। जो इसमें फोर्थ और फिफ्थ स्टेट जो है मैटर की, जो प्लाज्मा और बीईसी है, वो मैं आपको चैप्टर के लास्ट में बताऊंगा बच्चों, ठीक है। हालांकि सिलेबस में नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए और वो मैं आपको बता दूंगा। तो बच्चों इसमें आ गया डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है, सबसे पहले इसी को लिखिए, डिफ्यूजन। बच्चों ये टर्म ऐसी है आपको बायोलॉजी में भी देखने को मिलेगी, ठीक है। एक इसके सिनोनियम ही समझ लो इसका, ऑस्मोसिस भी आता है, लेकिन वो आपका फिर केमिस्ट्री में भी आ जाता है कई बार, और बायोलॉजी में सबसे ज्यादा बार आता है वो, ठीक है। लेकिन आपका फर्स्ट चैप्टर में ऑस्मोसिस नहीं है, अगर वो आपका आएगा बच्चों देखो सेल वाले चैप्टर में बायोलॉजी में, वो मैं आपका वहां क्लियर कराऊंगा डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस का डिफरेंस। फिर भी हो सका तो इसी में मैं आपको एक आउटलाइन दे दूं उसके। पहले आप डिफ्यूजन को समझिए क्या होता है, इसकी डेफिनेशन लिखिए, इंटरमिक्सिंग ऑफ द टू सब्सटेंसेस बाय देयर ऑन, या फिर एक अलग डेफिनेशन और लिखिए, और द मूवमेंट ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स फ्रॉम हाईली कंसंट्रेटेड सोल्यूशन टू द लेस कंसंट्रेटेड सोल्यूशन। जो सेकेंड डेफिनेशन बच्चों मैंने लिखी है, ये थोड़ी सी हायर क्लासेस के अकॉर्डिंग मान लो आप, फिर भी समझ लो दोनों का मीनिंग एक ही है। ये दोनों डेफिनेशन जो लिखी गई है ना, मतलब दोनों का एक ही निकलता है। समझिए क्या है बच्चों, कभी आपने ऑब्जर्व किया है कि आपके पास एक कंटेनर में पानी है, आपके पास पानी है और आपने उसमें सोल्ट डाल दिया। अब सोल्ट आपने डाला तो सोल्ट के पार्टिकल नीचे चले जाएंगे पानी के अंदर। आपको स्टिर नहीं करना है, पानी को हिलाना नहीं है, उसमें नमक डाल के छोड़ देना है। बच्चों आप ऑब्जर्व करोगे कि कुछ टाइम के बाद वो सोल्ट पानी में घुल गया है बिल्कुल अच्छे से। तो बच्चों ये पानी और जो सोल्ट के पार्टिकल आपस में घुले हैं अपने आप से ही, जबकि हमने उनको स्टिर नहीं किया था। इसी को बच्चों हम बोलते हैं डिफ्यूजन। जब दो सब्सटेंसेस आपस में अपने आप से ही मिक्स हो जाएं, उसको क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन बोलेंगे। अब ये सेकेंड डेफिनेशन का क्या लॉजिक है यहाँ पर बच्चों, इसका एक एग्जाम्पल ये भी हो सकता है, आप सोल्ट की जगह पे शुगर डाल दो। शुगर चीनी जो होती है, चीनी को पानी में डालोगे वो भी अपने आप से घुल जाती है कई बार। अगर आप पानी को नहीं हिलाओगे तो वो घुलने में टाइम लेगी, लेकिन घुल तो जाएगी ना। तो बच्चों दो सब्सटेंसेस के जो पार्टिकल्स आपस में घुल जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन बोलेंगे। और वैसे इसको मैं एक पॉइंट से रिलेट करके बताऊं आपको, आपने मैटर के जो पार्टिकल के जो करेक्टर पढ़े थे इससे ठीक पहले अभी, उसमें आपने ये पढ़ा था कि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। बच्चों ये जो सोल्ट पानी में घुलता है ना, ये पता है कैसे घुलता है, आपने सोल्टी वाटर का टेस्ट देखा। चलो मैं पहले ना इस पहले कंटेनर का ही बताता हूँ, फिर दूसरे को बनाएंगे। मान लिया आपने ये सोल्ट इसमें डाला था और वो मिक्स हो गया अच्छे से। आप इस पानी को यहां से टेस्ट करो, ऊपर से, बीच में से टेस्ट करो, नीचे से टेस्ट करो, इसका टेस्ट आपको यूनिफॉर्म मिलेगा, मतलब हर जगह से सेम टेस्ट मिलेगा इसका, ठीक है। तो बच्चों ये जो सोल्ट आपको हर जगह पे दिख रहा है पानी के अंदर, उसका टेस्ट आपको हर जगह पे आ रहा है, वो क्यों आ रहा है, क्योंकि पानी के पार्टिकल के बीच में क्या था, स्पेस था कहीं कहीं पर, और सोल्ट के पार्टिकल ने क्या किया, उसी स्पेस को कहीं कहीं पर क्या कर दिया, ऑक्यूपाई कर लिया है। तो स्पेस को ऑक्यूपाई कर लिया उन्होंने, इसलिए आपको उस सोल्ट का टेस्ट पानी के अंदर हर जगह पे मिलेगा। तो यहां से आपको ये भी कंक्लूजन मिल जाता है कि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, ठीक है। तो सेकेंड डेफिनेशन का लॉजिक बच्चों ये है, देखो मान लिया आपके पास एक कंटेनर है, इसी के साइड में आप कोई दूसरा कंटेनर बना लो, और बच्चों इन दोनों कंटेनर को आपने एक स्टॉपर की हेल्प से बंद कर देना है,
मतलब इनके बीच में एक स्टॉपर लगा देना है कि भाई यहाँ का कंटेंट यहाँ ना जा पाए और इस सेकेंड कंटेनर का कंटेंट फर्स्ट में ना आ जाए। इसमें तो आप क्या डाल दो, सोल्टी वाटर। फर्स्ट कंटेनर में आप क्या डाल दो, सोल्टी वाटर, मतलब सोल्ट के साथ क्या ऐड कर दिया आपने, वाटर। और बच्चों दूसरी साइड में आप क्या डाल दो, यहां पर फ्रेश वाटर। ठीक है, यहां पर आप क्या डाल दो, फ्रेश वाटर। अब आप एक चीज समझ लो बच्चों, पहले जहां पर आपने ये सोल्ट ऐड किया है पानी के अंदर, तो सोल्ट के रिस्पेक्ट में आप इस सॉल्यूशन को क्या बोल रहे हो, हाईली कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन और हाईली कंसंट्रेशन आपको अच्छे से तो सेकंड चैप्टर में पता चलेगा क्या होता है, फिर भी आप एक बार इसको देख लो क्या है। सोल्ट आपने ऐड कर दिया पानी के अंदर, तो सोल्ट का अमाउंट ज्यादा कहां पर है, इस साइड में है, इस पानी में ज्यादा है। तो अमाउंट और कंसंट्रेशन बच्चों एक ही बात होती है, तो इस सोल्ट का अमाउंट इस साइड में ज्यादा है ना, तो इसलिए आप इसको क्या बोल रहे हो, हाईली कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। अब बच्चों ये बताओ, क्या फ्रेश वाटर की साइड में कहीं सोल्ट है, नहीं है, तो मतलब सोल्ट का अमाउंट यहां पर है ही नहीं, तो इसको क्या बोलेंगे, लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, मतलब यहां सोल्ट है ही नहीं। अब बच्चों मान लिया आपने ये स्टॉपर यहां से हटा दिया, ये स्टॉपर या कॉर्क जो है आपने हटा दिया यहां से, इसको हटाते ही क्या होगा, ये पानी तो उधर मूव करना स्टार्ट कर देगा और ये इधर मूव करना स्टार्ट कर देगा। पानी तो दोनों साइड से मूव कर रहा है, एक मेन ऐसा कंपोनेंट हमारा देखो जो एक ही साइड में मूव कर रहा है, वो है सॉल्ट। सॉल्ट तो इस साइड में ज्यादा था, अब कहां मूव कर रहा है, इस साइड में कर रहा है। तो बच्चों आपने सिर्फ स्टॉपर को हटाया है, ये दोनों सॉल्यूशन क्या हो जाएंगे, आपस में मिक्स हो जाएंगे, कुछ टाइम के बाद यहां का टेस्ट भी और यहां का टेस्ट भी सेम हो जाएगा। तो आपने तो सिर्फ स्टॉपर को हटाया था, ये दो सब्सटेंस आपस में मिक्स हो गए हैं, और कैसे मिक्स हुए हैं कि जो सॉल्ट था जिसको आप सॉल्यूट बोल रहे हो यहां पर, वो उसी के ज्यादा अमाउंट वाले सॉल्यूशन से लेस अमाउंट वाले सॉल्यूशन की तरफ मूव कर गया। तो बच्चों इसको भी क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। अब आप ये देख लो, ये अपने आप से मिक्स भी हो रहे हैं और सॉल्ट यहाँ हाई अमाउंट वाले सॉल्यूशन से लेस की तरफ मूव भी कर रहे हैं। तो बच्चों दोनों डेफिनेशन आपस में रिलेट कर रही है, ठीक है। तो इंटरमिक्सिंग जब दो सब्सटेंसेस की हो जाती है बच्चों, उसको क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना, ये दोनों डेफिनेशन आपके बड़े काम आएंगी, ठीक है। और ये मान लो बच्चों, ये तो 12th क्लास में भी काम आएगा आपको, क्योंकि सॉल्यूशन नाम का चैप्टर आपको 12th की केमिस्ट्री में भी देखने को मिलेगा, बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ठीक है। और कई बच्चों को तो ना वहां पर भी डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस का पता ही नहीं चल पाता क्या होती है। तो बच्चों आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, इनको ध्यान से पढ़ना है। अभी जो हमारे जो नेक्स्ट डेफिनेशन है इसमें, वो है आपकी ब्राउनियन मूवमेंट। देखो ब्राउनियन मूवमेंट, ये बच्चों ध्यान में रखना, ब्राउनियन मूवमेंट जो है ये फिनोमिना सबसे पहले ऑब्जर्व किया था रॉबर्ट ब्राउन ने, रॉबर्ट ब्राउन ने इसको ऑब्जर्व किया था। और बच्चों ये होता क्या है, पहले आप लिख लो फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखो द जिगजैग मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स, द जिगजैग मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स इन अ मीडियम। तो बच्चों किसी भी पार्टिकल की किसी एक अलग मीडियम में जो जिगजैग मूवमेंट होती है, वही क्या होता है, ब्राउनियन मूवमेंट होता है, समझो क्या। देखो मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि आपके पास एक कंटेनर में पानी है और उस पानी के अंदर आपने पेपर की कोई बोट बना के छोड़ दी है, ठीक है, कोई बोट आपने बना के उसमें छोड़ दी है। बच्चों वो बोट क्या करती है, आपकी कहीं कहीं पर मूव करती रहेगी उस पानी के अंदर, है ना, अपनी मर्जी से वो कहीं भी मूव कर सकती है, जहां पर हो सकता है एयर का फ्लो जिस साइड में उस साइड फ्लो कर जाए। क्या आपने कभी ये देखा है कि वो कभी एक ही लाइन में स्ट्रेट क्या करती हो, मूव करती हो, या फिर किसी एक फिक्स डायरेक्शन में वो मूव करती हो, नहीं करेगी, वो हमेशा पानी के अंदर कोई ना कोई जिगजैग मूवमेंट शो करेगी आपको। तो बच्चों ये जो जिगजैग मूवमेंट है ना, इसी को क्या बोलते हैं, ब्राउनियन मूवमेंट बोलते हैं। जहां पर तो हमने बोट का एग्जांपल लिया है, आपको बुक्स में क्या लिख के दिया जाता है कि आप एक कंटेनर में पानी को लो, उसके अंदर आप पोलन ग्रेन को डाल दो। पोलन ग्रेन बच्चों फ्लावर में होते हैं, मेल गैमेट प्रोड्यूस करते हैं ये, ठीक है। तो बहुत ही छोटे पार्टिकल होते हैं बच्चों, बात वही है, उन पार्टिकल्स को जब आप पानी में डालोगे ना,
वो पार्टिकल्स कहीं कहीं पर मूव करते रहेंगे, उसके अंदर तैरेंगे, उसके ऊपर कहीं कहीं जाते रहेंगे, तो वो जिगजैग मूवमेंट आपको शो करेंगे, और उसी जिगजैग मूवमेंट को हम क्या बोल रहे हैं, ब्राउनियन मूवमेंट बोल रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है मेरे को आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आपको बिल्कुल मेहनत करनी नहीं छोड़नी है। आपको कोई डाउट क्यूरी आती है तो भाई जरूर बताते रहना मेरे को, ठीक है? और 2-3 दिन जो वीडियो नहीं डाल पाया मैं, उसके लिए माफी। और माफी तो आप ऐसे सोच रहे होंगे कि फेंक के मार रहे हैं सर, है ना? नहीं भाई, मेरी थोड़ी तबीयत खराब है और लैपटॉप भी खराब है, तो थोड़ा सा मैनेज आप करो अभी, और जैसे जैसे टाइम चलता रहेगा ऐसे ऐसे चीजों में सुधार होता रहेगा, ठीक है? और आपकी नॉलेज अच्छे से इम्प्रूव होती रहेगी, ऐसे ही गेन करते रहो, पढ़ते रहो, और सीखने को कहीं से भी कुछ भी मिले बच्चों, आपको सीखना है, आपका काम सीखने का है, ठीक है? तो भाई मेहनत करते रहो और अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, गर्मी ज्यादा हो रही है, बाहर घूमने से अच्छा बुक उठा के पढ़ते रहो घर पे, ठीक है? तो चलो, थैंक यू बच्चों, और ऐसे ही कोऑपरेट करते रहना।